हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। गाइस, टाइम नो स्टडिंग है। जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट हो गया। मैटर नहीं करता आपकी राशि क्या है, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन रीडिंग आप ही के लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेकिन प्रभु का नाम जय सियाराम। एंड प्लीज गाइस, मेरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा बेयर कीजिए। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ अगर ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो थोड़ा सा वॉल्यूम करके आप देख सकते हैं, क्योंकि सीरियसली आई कैन डू एनीथिंग। थ्री ऑफ सॉट्स, ओके। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अरे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर थ्री, नंबर फाइव मे एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हो गया गाइस, इनका दिल टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। लिटरली इंसान सर पकड़ के बैठ गए हैं। एट दी एंड इस इंसान ने जैसे मतलब क्या चीज़, क्या आप लोग क्या चीज़ हो गाइस, मतलब इस इंसान का आपने जीना हराम कर दिया। लिटरली इंसान क्राइंग एनर्जी में, ये रो रहा है। अगर आप एक दूसरे से अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, और खासकर जो मेरे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही हाई वाइब्रेशन में है, वो इनको टके के भाव भी नहीं पूछ रहे हैं, तो आपके पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा पेन है। ऐसा समझो ये इंसान इतना परेशान हो गया ना, लिटरली इस इंसान को हेडेक होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। आपके पर्सन ने आपसे दिल लगाया, आपसे प्यार किया, और आपने इनको क्या दिया, ये हेडक। डेफिनेटली आप इनको टके के भाव भी नहीं पूछ रहे हो सीरियसली। और अभी या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, ब्लॉकेज है यहाँ पे, या आपके पर्सन में। सो आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हो, और ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि आप पहले तो ऐसे ना थे, पहले तो आप इनको चेस किया करते थे, इनके पीछे पीछे घुमा करते थे, और अब आप इनको दर्द में, पेन में छोड़ के चले गए। इस इंसान को लिटरली ये लग रहा है कि आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो। क्या अभी ये इंसान आपको कोस रहे हैं, और पता है क्या बोल रहे हैं, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी, अपने आप आए हैं। ये बोल रहे हैं कि इतना पत्थर दिल कब से हो गया। इनको ये नहीं पता कि आप ही की वजह से हुए हैं। देखिए यही कार्ड निकल के आया है, टू ऑफ सॉर्ड्स। कन्फ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस है कि इस वक्त अगर थर्ड पार्टी में भी ये हैं तो ये इंसान कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं अच्छा लग रहा आपके बिना, कुछ नहीं भा रहा इनको। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ये लिटरली आपको कोस रहे हैं। बद्दुआ तो नहीं कहूँगी कि बद्दुआ दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये इंसान कोस रहे हैं आपको कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ, और आपने इनको दर्द में, आप इनको दर्द में छोड़ के चले गए। ये छोड़ के जाते तो चलता, ये तो ऊपर से लिखवा के लिए कहे थे कि ये छोड़ने वाला, इग्नोर करने वाला, डिसरिस्पेक्ट वाला काम तो मेरा ही है, मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी को भी चूज़ वही कर सकता हूँ। ये थर्ड पार्टी की तरफ देख भी नहीं सकते, आँख उठा के भी नहीं देख सकते, और आपने तो वो रूल ही ब्रेक कर दिया। तो ये बात इस इंसान को बहुत बहुत गुस्सा भी दिला रही है, और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है। देखो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको गुस्से में रोना आता है, कुछ लोग तो अपनी भड़ास निकाल देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं जोर से बोल के, या फिर झगड़ा करके, आर्गुमेंट्स करके, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लिटरली रोना आता है जब गुस्सा आता है तब। तो वो हालत है आपके पर्सन की राइट नाउ। डेथ, कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर से, अंदर ही अंदर मर रहा है आपसे रीयूनियन करने के लिए। थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं अपकमिंग डेज में। अगर कोई बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी आ रही है तो आपके पर्सन वो सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड मुझे लिटरली नंबर 13 मुझे बता रहा है कर्मा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है। इस इंसान को एहसास हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इन्हीं के कर्मों का फल है। इस इंसान ने कभी किसी वक्त आपको बहुत डीपली हर्ट किया, और अभी ये सब कुछ इस इंसान को फेस करना पड़ रहा है। सो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा समझो कि इस उस जोन में है जहाँ ये इंसान मर के वापस से जी रहा है। मतलब एक इंसान मर के जब उसका दूसरा जन्म होता है,
होती है ना तकलीफ, मरने भी तकलीफ होती है और जब एक इंसान पैदा होता है तब भी तकलीफ होती है, तो वही हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहे हैं, इनकी सोल प्योरीफाई हो रही है। ये इंसान सिर्फ बाहर से ये चेंज नहीं लेके आ रहा अपनी ओवरऑल लाइफ में, ये इंसान के अंदर चेंज आ रहे हैं। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, नो डाउट, और विद इन 3 मंथ्स पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। नंबर 3, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली है, आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। 5 of Pentacles, ओ माय गॉड, ये क्या है? 9 of Pentacles, आप हो, आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हो, आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, चाहे आप पैसा ना भी कमा रहे हो ना, एक सीक्रेट बताते हो, अब अगर पैसा भी नहीं कमा रहे हो ना, तो आपके पर्सन की नज़रों में ऐसा उनको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं से आप पैसे भी गेन कर रहे हो और गोल ओरिएंटेड हो गए हो, पैसा कमाने में लगे हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। और इस इंसान की हालत देखो क्या है, मैंने अभी ध्यान दिया, ये ट्राइकोड हिल रहा था। ओके, आपके पर्सन की हालत क्या है? 5 of Pentacles, ये इंसान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। फाइनेंसेस इस इंसान के लो हो रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, और इस इंसान को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। मैंने कहा था ना डार्कनेस, आज अब की बार तो मुझे डार्कनेस ही दिखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी डार्कनेस है, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा। नंबर 5 मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल ज़ोडियक साइन मुझे दिखे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, अकेलेपन को फेस कर रहे हैं। इस इंसान ने जैसे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, ना ये थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी भी इनको नहीं सुहा रही है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो ये इंसान अभी उस जोन में आ गए हैं जिस जोन में कभी आप भी थे। आपके साथ भी ये सिचुएशन घटित हुई थी, किसी वक्त इस परिस्थिति से आप भी गुजरे थे। वही परिस्थिति अब इस इंसान की लाइफ में चल रही है, और इस इंसान को ये फील हो रहा है कि अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। आज ये अकेले पड़ गए हैं अपनी गलतियों की वजह से। इस इंसान ने कभी पास्ट में आपको अकेला छोड़ दिया था, आपको अकेलापन फील करवाया। ये इंसान के होते हुए भी आपने बहुत अकेलापन फील किया, और अब जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और आपको ग्रो करता हुआ देखिए, इस इंसान की हालत खराब हो रही है। मतलब ऐसे कैसे ग्रो कर सकते हो आप? ठीक है, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। हालत तो खराब है, मैसेजेस के थ्रू और क्लैरिटी लेते हैं। ओके, मैसेज 6 मैसेज आए हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, बस एक बार देखना है आपको, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। आपके पर्सन अभी तरस चुके हैं आपको देखने के लिए। इस वक्त आपके पर्सन बहुत क्रेविंग कर रहे हैं आपको एक बार देखने के लिए। इस इंसान को एहसास है कि इस इंसान ने आपको कितना हर्ट किया, बट आप है कि आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हम आपको ही चुनेंगे, हमें तो पता है आपके पर्सन को अभी थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सो फाइनली ये इंसान आप ही को चुन रहे हैं। पहले ही चुन लेते, इतना कुछ साइन ही नहीं करना पड़ता। कभी बिना कहे भी समझ जाया करो। नहीं नहीं, हमें नहीं समझ में आता, हमें तुम्हारा कहा हुआ समझ में नहीं आता, बिना कहा हुआ कैसे समझ लेंगे? हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम गॉड नहीं हैं। कुछ बातें हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, ये कन्फर्मेशन है गाइस। आपकी पर्सन लिटरली आपको एक नज़र देखने के लिए तरस रहे हैं। ओहो, इतनी ज़्यादा क्रेविंग, मतलब अब तेरे दिल में हम आ गए तो, आपको यही बोलना है तो ये आपको बोलेंगे कि प्लीज़ एक बार मिलो, एक बार अपना फेस दिखा दो तो। मुझे क्रेविंग हो रही है, बस एक बार देखना चाहता हूँ, भले आप मुझसे बात ना करो तो आपको लिटरली यही आंसर करना है तो मैं क्या करूँ? अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूँ, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूँ मैं अपने हजारों जन्म। अरे क्या हजारों जन्म, इस जन्म में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दो, एक्शन ले लो। वो तो हो नहीं रहा, हजारों जन्म की बात कर रहे हैं। हम पागल हैं जो हजारों जन्म में आप ही को चूज करेंगे? ये जन्म में हमारी अच्छी खासी बैंड बजा के रख दी, आपको लगता है ये हजारों जन्म हम आप ही के साथ स्पेंड करें? पागल कुत्ते ने काटा है। बहुत पछता रहे हैं, हमें पता है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, इस इंसान को लिटरली लग रहा है कि ये इन्हीं के कर्मों का फल है। हाँ, तो भुगतो,
देखिए यूनिवर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल रूल लगता है मुझे ये, आप जो दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा, और वो भी कभी कभार तो मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो भुगतिए, आपने मेरे व्यूअर्स को दर्द दिया तो अभी आप झेलिए। ओके अभी मैं सॉन्ग देख लेती हूँ। ओके सॉन्ग इन कार्ड्स में से ये जो डेक है इसमें से भी देख लेते हैं। तू ना मिले मर जाऊंगा सनम, तो जान जाएगी मेरी तो जिंदगी है तू मेरी झूठा, एक नंबर के झूठे, एक नंबर की झूठी। वादा रहा प्यार से प्यार का, अभी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। याद आई ना खुदा की, अब याद आई ना भगवान जी की, सही है, लगने दीजिए इनके। अभी हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। जय सिया राम। आप अपनी मनी पे फोकस कीजिए, आप सही जा रहे हो। वाओ, डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपने फाइनेंस पे फोकस कीजिए, और इस इंसान से आपने अगर माइंड डाइवर्ट कर रखा है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको देती रहूँगी इनकी करंट एनर्जीज़ की, आप ये देखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। फिर ऐसा नहीं है कि 24/7 यही इंसान आपके माइंड में घूम रहा है, नहीं नहीं नहीं, बाकी चीज़ों को फोकस आप कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो ऐसा कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस इंसान को अगर पेन हो रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका वन एंड ओनली रीज़न ये है कि आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट लगने लगे हैं, और ये इंसानों को पाना चाहते हैं। ये इंसान सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, ये इंसान आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो आप ऐसे ही करते रहें। सो कैसे इतनी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया, रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया।